आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आगाज हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह निकाल रहे हैं ये यात्रा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान गिरिराज हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में ये यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को संगठित रहने की जरूरत है और इस यात्रा के जरिए यही संदेश दिया जाएगा। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और सियासत अपार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से यात्रा निकालने की बात कही जा रही है और यात्रा का मकसद सिर्फ एक, हिंदुओं को संगठित करना। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बिहार में सियासत आई है। हालांकि इस यात्रा के विरोध में स्वर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से मुखर हो रहे हैं। कुछ बीजेपी के नेताओं ने और उसके साथ ही जेडीयू के भी नेताओं ने यात्रा से किनारा किया है। तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आगाज है, आज से शुरू हो रही है गिरिराज सिंह की यात्रा। कट्टरपंथियों के विरोध में ये यात्रा निकाली जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में ये यात्रा निकाली जाएगी और इस बीच हिंदुओं को संगठित रहने का संदेश गिरिराज सिंह देने वाले हैं। भागलपुर से शुरू होगी गिरिराज सिंह की यात्रा और किशनगंज में यात्रा का समापन होने वाला है। यात्रा में हिंदूवादी संगठन महत्वपूर्ण यानी कि खास भूमिका निभाने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर राजीव मोहन जुड़ गए हमारे साथ में। राजीव, गिरिराज सिंह की तरफ से यात्रा निकाली जा रही है लेकिन सियासत भी पुरजोर आई है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में है ये यात्रा ताकि हिंदुओं को संगठित किया जाए। दूसरी तरफ इस यात्रा से बीजेपी के कुछ नेता और साथ में जेडीयू के ज्यादातर नेता असहज महसूस कर रहे हैं। देखिए, गिरिराज सिंह की ये यात्रा जो है वो उनके विचारधारा ऐसे देश में एक ऐसे विचारधारा है जो ये समझता है कि देश में हिंदू जो है हिंदू को जो आबादी है वो कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहा है, खतरे में है। इस विचारधारा को मानवीय या कह सकते उसे प्रेरित होकर गिरिराज सिंह ने अपने इस यात्रा का ऐलान किया था और कहा था कि अपने देश में न सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान या मुस्लिम कंट्री हैं लेकिन उनका कहना है कि अपने देश में भी
कई जगहों पे आबादी ज्यादा थी, वो हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और उसको लेकर इन्होंने ये सीमांचल का इलाका कह सकते हैं कि इन्होंने लक्षित किया है। आप देखें तो भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज ये ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल माने जाते हैं, लेकिन गिरिराज सिंह का तर्क है कि इन इलाकों में भी जो हिंदू आबादी थी वो पहले से कम हुआ है और यही कारण है कि उन्होंने इस इलाकों को लक्ष्य करते हुए ये अपना यात्रा निकाल रहे हैं और उनका उनकी विचारधारा ये है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू को एकजुट होना होगा, सशक्त होना होगा। तो ये उनका विचारधारा है। जहां तक इस पर सियासत हो रही है तो देखिए, देश में माना जाता है कि देश भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, इसलिए इस तरह के विचारधारा को ये कह सकते हैं कि सर्वसम्मति नहीं मिल सकती है और यही कारण है क्योंकि भाजपा हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है, बावजूद इसके क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और नीतीश कुमार जो है वो एक सेकुलर फेस के रूप में जाने जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे गिरिराज सिंह की ये यात्रा से अपने आप को अलग कर लिया। यहाँ तक अब तो गिरिराज सिंह भी ये मानने लगे हैं, कल जो उनका स्टेटमेंट आया, आज उनका उनकी यात्रा है, उन्होंने साफ साफ कहा ये धर्म की लड़ाई है, इसमें राजनीति कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कह दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऑफिशियल बयान था कि ये गिरिराज सिंह का अपना अपनी राजनीति है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के और अन्य नेता जो है, हालांकि ये नहीं कह रहे हैं, अगर आप विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है और पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी गिरिराज सिंह के इस आइडियोलॉजी का समर्थन किया। नीरज कुमार बबलू बिहार सरकार में मंत्री है, उन्होंने इस आइडियोलॉजी का जो है समर्थन किया। जनक राम है मंत्री बिहार सरकार में भाजपा कोटे के, उन्होंने भी इनके आइडियोलॉजी का समर्थन किया, लेकिन सबने ये कहा कि ये पार्टी का नहीं है। सांसद अपने स्तर पर कोई भी अभियान चलाने के लिए, जनता को जूट करने के लिए वो अपना अभियान चला सकते हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं अपने आप में सियासत है। और जो जेडीयू का जो एजेंडा है, जेडीयू की जो विचारधारा है वो पूरी तरह से सेकुलर है। नीतीश कुमार को बिहार में एक धार्मिक फेस के रूप में जाना जाता है, सेकुलर फेस के रूप में जाना जाता है, इसलिए जदयू ने सीधे टिप्पणी कर दी कि ऐसे यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है और ऐसी यात्रा नहीं निकाली जानी चाहिए। तो ये जेडीयू का ऑफिशियल बयान है क्योंकि वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानती है। तो इस तरह से बिहार में कह सकते हैं गिरिराज सिंह के इस यात्रा से, हिंदू मुसलमान यात्रा से कहा जा सकता है कि बिहार की सियासत गर्म है और उन्होंने अपने और ये अपने इस यात्रा को लेकर सारा देश का सारा ध्यान जो है अपने ओर केंद्रित किया है और ऐसा लगता है कि गिरिराज सिंह अपने आप को एक तरह से कट्टर हिंदू के रूप में साबित करना चाहते हैं। वो साफ साफ कहते हैं किसी के दल में किसी हिंदू समाज के जो राजीव है। राजीव एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी, गिरिराज सिंह अपने आप को कट्टर हिंदू के तौर पर साबित करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस तरीके के उनके ये पहले बयान नहीं है या पहला प्रयास नहीं है, लेकिन आगामी दिनों में झारखंड से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहां पर अगर ये यात्रा कंडक्ट होती है तो कितना इम्पैक्ट झारखंड चुनावों में जाएगा, प्लस आगामी बिहार इलेक्शंस में भी इसका कितना असर नजर आने वाला है? देखिए इनके अभियान का असर दोनों तरफ से होगा। एक तरफ जो भाजपा का हिंदुत्व एजेंडा है, भाजपा अगर सियासत कह सकते हैं इसको, कि अगर भाजपा को ये लगता है कि इससे उन्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा तो पार्टी स्तर पर गिरिराज सिंह को यात्रा निकालने से मना कर दिया जाता, लेकिन ये कह सकते हैं एक तरह से सियासत है, भारतीय जनता पार्टी को अपने एक तरह से एक अलग सा स्टैंड ले लिया क्या कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ये नहीं हो रहा है। लेकिन इस यात्रा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल बाइट नहीं है, कोई ऑफिशियल निर्देश नहीं है। दूसरी तरफ जब ये इम्पैक्ट इस तरह से होगा कि अगर झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर गिरिराज सिंह के
अभियान को गिरिराज सिंह के इस यात्रा का समर्थन करती तो निश्चित तौर पर उनको जो सेकुलरिज्म का जो वोट बैंक है, जो वहाँ एक तरह से कहें कि एनडीए के साथ जो मिलकर वहाँ चुनाव लड़ते हैं उसमें उनको उनको नुकसान हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भाजपा ने एक अलग सा स्टैंड लिया और ऑफिशियल बयान देकर यह कह दिया कि गिरिराज सिंह की अपनी यात्रा है। लेकिन गिरिराज सिंह के इस यात्रा से जो हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, कहीं ना कहीं ये गिरिराज सिंह ये चाहते हैं कि वो अपने इस अभियान से हिंदुओं को एकजुट करें। ये अंदर अंदर खाने से भाजपा भी ये चाहती है कि हिंदू एकत्र हो, क्योंकि गिरिराज सिंह के बयान की व्याख्या करें, उनकी विवेचना करें, वो सीधे सीधे कहते हैं कि किसी भी दल के लोग हो जो हिंदू हैं वो मेरे स्वाभिमान। बिल्कुल, एक कहावत है राजीव, चित में जीता पट तुम्हारे, तो बीजेपी उसी स्ट्रैटेजी पर शायद काम कर रही है। बहुत शुक्रिया।